नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिमाचल प्रदेश की नदियों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियां निर्मित हुई हैं? ए ऑप्शन है सतलुज, बी ऑप्शन है ब्यास, सी ऑप्शन है रावी, डी ऑप्शन है चिनाब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा, ब्यास। प्रश्न नंबर दो है, इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? ए ऑप्शन है सतलुज, बी ऑप्शन है ब्यास, सी ऑप्शन है रावी, डी ऑप्शन है झेलम। तो इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, झेलम। प्रश्न नंबर तीन है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल है या चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है? तो ए ऑप्शन है चंबा घाटी, बी ऑप्शन है धौलाधार, सी ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, डी ऑप्शन है बारालाचा दर्रा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, बारालाचा दर्रा। प्रश्न नंबर चार है, एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार वह स्थान जहां रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए थे, वह स्थान दो नदियों के संगम पर अवस्थित है, वे नदियां हैं? ए ऑप्शन है पार्वती और ब्यास, बी ऑप्शन है चंद्रा और भागा, सी ऑप्शन है स्पीति और भागा, और डी ऑप्शन है पार्वती और तांडी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, पार्वती और ब्यास। प्रश्न नंबर पाँच है, जन विश्वास के अनुसार शतुद्र नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ए ऑप्शन है परशुराम, बी ऑप्शन है बाणासुर, सी ऑप्शन है जमदग्नि, डी ऑप्शन है सहस्र भावु। तो इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन है, बाणासुर। प्रश्न नंबर छः है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? ए ऑप्शन है परुषणी, बी ऑप्शन है चंद्रभागा, सी ऑप्शन है अर्जिकिया, डी ऑप्शन है शतुद्र। तो जो रावी नदी का वैदिक नाम है वो ए ऑप्शन आपका सही आंसर, परुषणी। प्रश्न नंबर सात है, बुद्धिल धारा का उद्गम होता है? ए ऑप्शन है बड़ा बंगाल से, बी ऑप्शन है चंद्रताल से, सी ऑप्शन है मणिमेश से, डी ऑप्शन है रेणुका से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, मणिमेश से। प्रश्न नंबर आठ है, चंबा पतन पुल जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है, किस नदी पर बना है? ए ऑप्शन है रावी, बी ऑप्शन है सतलुज, सी ऑप्शन है यमुना, डी ऑप्शन है ब्यास। तो इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है, ब्यास। प्रश्न नंबर नौ है, निम्न में से कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? तो ए ऑप्शन है सुकेती, बी ऑप्शन है बाणगंगा, सी ऑप्शन है आली, डी ऑप्शन है ओहल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, आली। प्रश्न नंबर दस है, गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? ए ऑप्शन है कोपर चोटी, बी ऑप्शन है सोलांग चोटी, सी ऑप्शन है हनुमान टूबा, डी ऑप्शन है शीला चोटी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, कोपर चोटी। प्रश्न नंबर 11 है, सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहां पर प्रवेश करती है? तो ए ऑप्शन है शिपकी किन्नौर, बी ऑप्शन है शिला किन्नौर, सी ऑप्शन है पू किन्नौर, डी ऑप्शन है टापरी किन्नौर। तो इसका जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, शिपकी किन्नौर। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ऑप्शन है सतलुज मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, बी ऑप्शन है ब्यास रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से निकलती है, सी ऑप्शन है रावी कांगड़ा में बड़ा बंगाल से निकलती है, डी ऑप्शन है यमुना पू किन्नौर से निकलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, यमुना पू किन्नौर से निकलती है। प्रश्न नंबर 13 है, किस नदी का संस्कृत नाम बिपाशा है? तो ए ऑप्शन है सतलुज, बी ऑप्शन है रावी, डी सी ऑप्शन है ब्यास, डी ऑप्शन है यमुना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, ब्यास। प्रश्न नंबर 14 है, ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या था? ए ऑप्शन है परुषणी, बी ऑप्शन है शतुद्री, सी ऑप्शन है अर्जिकिया, डी ऑप्शन है कलिंदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, अर्जिकिया। प्रश्न नंबर 15 है, चंबा किस नदी के दाएँ किनारे पर अवस्थित है? ए ऑप्शन है ब्यास, बी ऑप्शन है रावी, सी ऑप्शन है सतलुज, डी ऑप्शन है चंद्रभागा। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा, रावी। प्रश्न नंबर 16 है, यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? ए ऑप्शन है अर्जिकिया, बी ऑप्शन है अश्किनी, सी ऑप्शन है कलिंदी,
डी ऑप्शन है परूषणी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन कलिंदी। प्रश्न नंबर 17 है, पोंटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन है यमुना, बी ऑप्शन है सतलुज, सी ऑप्शन है ब्यास, डी ऑप्शन है रावी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा यमुना। प्रश्न नंबर 18 है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? ए ऑप्शन है बारालाचा, बी ऑप्शन है बड़ा बंगाल, सी ऑप्शन है मणिकर्ण, डी ऑप्शन है शिवालिक। तो इसका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन होगा बड़ा बंगाल। प्रश्न नंबर 19 है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ऑप्शन है सतलुज, बी ऑप्शन है ब्यास, सी ऑप्शन है चिनाब, डी ऑप्शन है रावी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन सतलुज। प्रश्न नंबर 20 है, कौन सा खड्ड कांगड़ा किले से होकर बहता है? ए ऑप्शन है पार्वती, बी ऑप्शन है चंद्रा, सी ऑप्शन है गिरी गंगा, डी ऑप्शन है बाण गंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन होगा बाण गंगा। प्रश्न नंबर 21 है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? तो ए ऑप्शन है सरवरी, बी ऑप्शन है बिपाशा, सी ऑप्शन है शताद्री, डी ऑप्शन है सुजोइन। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा शताद्री नहीं है, यहाँ पर शतुद्री होगा। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं है? ए ऑप्शन है ब्यास, बी ऑप्शन है सतलुज, सी ऑप्शन है चिनाब और डी ऑप्शन है रावी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा सतलुज। प्रश्न नंबर 23 है, चंद्रभागा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? ए ऑप्शन है तांदी, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है जहालामा, डी ऑप्शन है लोसर। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा तांदी। प्रश्न नंबर 24 है, व्यास नदी निम्न में से किस जिले से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन है यमुना, बी ऑप्शन है कुल्लू, सी ऑप्शन है मंडी, डी ऑप्शन है कांगड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा ऊना। प्रश्न नंबर 25 है, बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ए ऑप्शन है ब्यास की, बी ऑप्शन है यमुना की, सी ऑप्शन है गंगा की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन होगा ब्यास की। प्रश्न नंबर 26 है, किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है? तो ए ऑप्शन है बड़ा शिगड़ी, बी ऑप्शन है बड़ा बंगाल, सी ऑप्शन है रोहतांग, डी ऑप्शन है दुधौन। तो इसका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन होगा बड़ा बंगाल। प्रश्न नंबर 27 है, टोंस किसकी सहायक नदी है? ए ऑप्शन है सतलुज, बी ऑप्शन है रावी, सी ऑप्शन है यमुना, डी ऑप्शन है ब्यास। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा यमुना। प्रश्न नंबर 28 है, डैश नदी का वैदिक नाम अर्जी किया था? ए ऑप्शन है रावी, बी ऑप्शन है सतलुज, सी ऑप्शन है ब्यास, डी ऑप्शन है यमुना। तो इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन होगा ब्यास। प्रश्न नंबर 29 है, सियोल धारा किस नदी की सहायक नदी सहायक है? तो ए ऑप्शन है चिनाब, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है रावी, डी ऑप्शन है ब्यास। तो इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन होगा रावी। प्रश्न नंबर 30 है, डोडरा कवार किस नदी घाटी में स्थित है? तो ए ऑप्शन है पब्बर, बी ऑप्शन है टोंस, सी ऑप्शन है यमुना, डी ऑप्शन है गिरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन टोंस। प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से कौन ब्यास नदी की सहायक नदी है? ए ऑप्शन है चंद्रा, बी ऑप्शन है मानखुड, सी ऑप्शन है बैरा, डी ऑप्शन है शेरखुड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन मानखुड। प्रश्न नंबर 32 है, ब्यास का उद्गम स्थल है? ए ऑप्शन है कश्मीर के वेरीनाग, बी ऑप्शन है ब्यास कुंड, सी ऑप्शन है कैलाश मानसरोवर, डी ऑप्शन है गंगोत्री। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा ब्यास कुंड। प्रश्न नंबर 33 है, तिब्बत में मानसरोवर से प्रारंभ होकर और किन्नौर जिले में शिपकी में भारतीय सीमा पर प्रवेश करती है वह कौन सी नदी है? ए ऑप्शन है ब्यास, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है सतलुज और डी ऑप्शन है रावी। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन सतलुज। प्रश्न नंबर 34 है, हिमाचल प्रदेश में कितनी मुख्य नदियां बहती हैं? ए ऑप्शन है एक, बी ऑप्शन है तीन, सी ऑप्शन है छः और डी ऑप्शन है पाँच। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा पाँच। प्रश्न नंबर 35 है, चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? ए ऑप्शन है अर्जीकिया, बी ऑप्शन है अस्किनी, सी ऑप्शन है परूषणी, डी ऑप्शन है शतुद्री। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा अस्किनी। प्रश्न नंबर 36 है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? ए ऑप्शन है सतलुज,
बी ऑप्शन है ब्यास, सी ऑप्शन है रावी, डी ऑप्शन है यमुना। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, सतलुज। प्रश्न नंबर 37 है, सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ए ऑप्शन है शिपकी, बी ऑप्शन है संगोल, सी ऑप्शन है मूर्थल, डी ऑप्शन है ताजेवाला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, शिपकी। प्रश्न नंबर 38 है, अस्किनी नाम इस नदी से संबंधित है। ए ऑप्शन है ब्यास, बी ऑप्शन है चिनाब, सी ऑप्शन है रावी, डी ऑप्शन है यमुना। तो जो अस्किनी नाम संबंधित है वो है आपका यमुना से। प्रश्न नंबर 39 है, ब्यास नदी कांगड़ा जिले को जहाँ छोड़ती है वह कहलाता है। तो ए ऑप्शन है नदौन, बी ऑप्शन है मूर्थल, सी ऑप्शन है संदौल, डी ऑप्शन है नूरपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन है, मूर्थल। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से ब्यास नदी किस जिले में नहीं बहती। तो ए ऑप्शन है कुल्लू, बी ऑप्शन है मंडी, सी ऑप्शन है कांगड़ा और डी ऑप्शन है बिलासपुर। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन है, बिलासपुर। प्रश्न नंबर 41 है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है। तो ए ऑप्शन है मानसरोवर, बी ऑप्शन है रिवासर, सी ऑप्शन है बिलासपुर दुधोल और डी ऑप्शन है धर्मशाला। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, मानसरोवर। प्रश्न नंबर 42 है, हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन में अधिकतम जल क्षमता है। ए ऑप्शन है रावी, बी ऑप्शन है ब्यास, सी ऑप्शन है चंद्रभागा, डी ऑप्शन है सतलुज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, चंद्रवा भागा। प्रश्न नंबर 43 है, रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है। तो ए ऑप्शन है गिरी, बी ऑप्शन है टोंस, सी ऑप्शन है पब्बर, डी ऑप्शन है रेणुका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, रेणुका बांध। सॉरी, इसका जो सही आंसर है ए ऑप्शन है, गिरी। प्रश्न नंबर 44 है, पब्बर नदी का उद्गम स्थान है। ए ऑप्शन है चिरगांव, बी ऑप्शन है हामटा दर्रा, सी ऑप्शन है चांसल चोटी, डी ऑप्शन है पिन दर्रा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, चांसल चोटी। प्रश्न नंबर 45 है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो ए ऑप्शन है किन्नौर, बी ऑप्शन है शिमला, सी ऑप्शन है बिलासपुर, डी ऑप्शन है कुल्लू। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा, किन्नौर। प्रश्न नंबर 46 है, बाणगंगा किस जिले में बहती है। ए ऑप्शन है कांगड़ा, बी ऑप्शन है सिरमौर, सी ऑप्शन है कुनिहार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ए ऑप्शन, कांगड़ा। प्रश्न नंबर 47 है, चंद्रा और भागा नदियों का आपस में संगम किस स्थान पर होता है। ए ऑप्शन है भागसूनाथ, बी ऑप्शन है तांडी, सी ऑप्शन है बिलासपुर, डी ऑप्शन है चंद्रनगर, डी ऑप्शन है चंद्रनगर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, तांडी। प्रश्न नंबर 48 है, जल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ए ऑप्शन है रावी, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है चिनाब और डी ऑप्शन है ब्यास। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन है, चिनाब। प्रश्न नंबर 49 है, पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। ए ऑप्शन है ब्यास, बी ऑप्शन है सतलुज, सी ऑप्शन है रावी, डी ऑप्शन है यमुना। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा, ब्यास। प्रश्न नंबर 50 है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। ए ऑप्शन है यमुना, बी ऑप्शन है गंगा, सी ऑप्शन है चिनाब, डी ऑप्शन है रावी। तो इसका जो सही आंसर बी ऑप्शन होगा, गंगा। तो दोस्तों, ये हैं आज के लिए 50 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो जो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। धन्यवाद।